हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कबीर एंड वामिकाज लाइव। आज हम एक और हेल्दी स्नैक बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कॉर्न यानी भुट्टा लिया हुआ है, तो आज हम इसका झटपट सा स्नैक बनाएंगे। जब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक कप कॉर्न लिया हुआ है, एक गिलास पानी और आधा चम्मच सेंधा नमक। आप चाहें तो दूसरा नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। मैंने कॉर्न को दो बार अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है, सारा पानी स्ट्रेन कर दिया है। और अब कॉर्न, पानी और सॉल्ट हम प्रेशर कुकर में डाल के इसे एक विसल देंगे। सो मैंने कॉर्न, पानी और सॉल्ट कुकर में ऐड कर दिया है और इसे बंद करके तेज़ गैस पे एक विसल दूंगी। एक यूज़फुल टिप है, आप दाल, कॉर्न या कुछ भी बनाते हैं कुकर में, तो आप जितना पानी में वो ईजिली सॉक कर रहा है, भीग रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना। बहुत ज़्यादा डालने से सिर्फ गैस वेस्ट होगी और बाद में आपको वो पानी निकालना होगा, अनलेस कि राजमा या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए। एक विसल के बाद मैंने गैस स्विच ऑफ कर दिया है। अब हम इसको दो तीन मिनट बाद ओपन करेंगे जब इसकी स्टीम निकल जाएगी। जब इसकी स्टीम निकल गई है, मैंने इसे ओपन किया है और ये अच्छे से गल गया है। कुकर में बनाने का ये बेनिफिट होता है कि एक विसल में गल जाता है, अदरवाइज़ आपको पैन में काफ़ी टाइम लग जाता है बॉईल करने के लिए। सो अगर आप वर्किंग हैं, आपको ऑफिस के लिए फटाफट से कुछ स्नैकिंग ले जाना है या आपको घर पे भी कुछ जल्दी है, तो आप फटाफट से इसे कुकर में बना सकते हो। सो मैंने एक लो फ्लेम पे एक नॉन स्टिक पैन रख दिया है और इसमें आधा चम्मच काओ देसी घी डाला है। ये कॉर्न मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इसे अपने पैन में डाल दूँगी। अब इसे लो फ्लेम पे दो मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छे से हमारा देसी घी का फ्लेवर आ जाए और फिर हम इसे अपने बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। सो मैंने ये गर्मा गर्म कॉर्न को बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। गाइस, आप इसमें प्लीज़ सॉल्ट मत ऐड करिए, स्पेशली अगर आप वेट लॉस पे हैं या आपको पीपी या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बॉईल करने में भी थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और अगर आपको लेमन पसंद है तो आप इसमें हल्का सा लेमन जूस भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कर सकते हो। मैंने इसे हरा धनिया के साथ गार्निश किया है। सो हमारा हेल्दी 2 मिनट स्नैक रेडी। आप इसे घर पे टी टाइम के साथ एंजॉय कर सकते हो और इसे बॉक्स में डाल के ऑफिस या स्कूल कॉलेज भी ले जा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हम इसी तरह आपके लिए हेल्दी रेसिपीज शॉर्ट वीडियोस में लाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। दिस मीन्स अ लॉट फॉर अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।